कभी बने गूगल के सबसे महंगे कर्मचारी, तो अब नए साल में दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बनने वाले निकेश अरोड़ा आखिर कौन है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारतीय मूल के टेक सीईओ निकेश अरोड़ा दुनिया के सबसे नए और 2024 के सबसे पहले बिलियनियर बन गए हैं। कई दिग्गज कंपनी में काम करने वाले निकेश अरोड़ा हमेशा बड़ा पैकेज हासिल करने में कामयाब रहे हैं। सॉफ्ट बैंक के पूर्व सीओओ और भारतीय मूल के निकेश अरोड़ा सबसे ज्यादा पैकेज पाने वाले दुनिया के तीसरे सीईओ हैं। 2012 में उनका पैकेज करीब $5.1 करोड़ था। साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ निकेश अरोड़ा 12,495 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने बर्गर बेचे और एक सिक्योरिटी कंपनी में काम भी उन्हें करना पड़ा। पालो ऑल्टो ने निकेश अरोड़ा की लीडरशिप में नई ऊंचाइयों को छुआ है। निकेश कंपनी को साइबर सिक्योरिटी में पहली $100 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में कंपनी का मार्केट कैप भी लगातार बढ़ रहा है। निकेश अरोड़ा न सिर्फ 2024 के पहले और दुनिया के सबसे नए बिलियनियर बने हैं, बल्कि उनके नाम ये उपलब्धि भी जुड़ गई है कि वो उन चुनिंदा टॉप टेक बिलियनियर्स में से एक हैं जो नॉन फाउंडर हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क ने उन्हें 860 करोड़ रुपए यानी कि $12.8 करोड़ सालाना के पैकेज पर हायर किया। इसके साथ ही उन्हें $12.6 करोड़ के बराबर शेयर भी मिलेंगे। निकेश को $10 लाख वेतन और इतनी ही रकम टारगेट बोनस के रूप में भी मिलेगी। इस हिसाब से अब वो सालाना करीब 8 अरब रुपए कमाएंगे। निकेश सबसे पहले तब चर्चा में आए थे जब वो 2012 में गूगल के सबसे महंगे कर्मचारी बने थे। उन्हें तब गूगल में $51 मिलियन का पैकेज दिया गया था। निकेश अरोड़ा गूगल में टॉप 4 पोजीशन पर थे और उस समय तक गूगल में निकेश के स्टॉक अवार्ड की वैल्यू $200 मिलियन को पार कर गई थी, जबकि सॉफ्ट बैंक में उनकी पोजीशन दूसरी थी। वही 2014 में सॉफ्ट बैंक से जुड़े थे और उन्हें सॉफ्ट बैंक ने पहले साल में ही $135 मिलियन का पैकेज दिया था। उस समय जापान में उनका पैकेज सबसे ज्यादा था। इसके अलावा उन्होंने विप्रो, भारतीय टेल, टी मोबाइल और डाइचे टेलीकॉम में भी काम किया है। 55 साल के निकेश अरोड़ा यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1968 को हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में अधिकारी रैंक पर थे। निकेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल से ही की थी। 1989 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU IIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने विप्रो में जॉब के से करियर की शुरुआत की। हालांकि कुछ ही समय बाद जॉब छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो US चले गए। यहाँ अमेरिका के बोस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया और 1992 में वहीं फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ गए। निकेश दिन में जॉब और रात में चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई किया करते थे। 1995 में उनकी डिग्री पूरी हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि US में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने बर्गर शॉपर, सेल्समैन और सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी की। IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार निकेश अरोड़ा 8,500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे रिच सीईओ में से एक हैं। वहीं ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में अगर अरोड़ा को उनके करियर में मिली सैलरी को मिलाकर देखें तो उनकी कुल नेटवर्थ $1.5 बिलियन यानी कि 12,495 करोड़ रुपए है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।